जय शंकर मित्रों, जय श्री गणेश। मैं संबित कैलाश चंद्र जोशी, आप सभी का मेरे इस चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु विद्या की जुड़ी हुई जानकारियों की श्रृंखला में आज मैं आपके बीच में, हम अपने घर से वास्तु दोष को कैसे दूर करें, अगर हमारे घर में कोई वास्तु जनित दोष है तो उसका हम कैसे निराकरण करें, ऐसी कुछ अद्भुत जानकारी लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। पहले तो आप सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी मित्रों ने मेरे चैनल को बहुत ही कम समय में इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया और उसे सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन। मित्रों, जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर वास्तु शास्त्र का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे पुराणों में हमें पढ़ने और सुनने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर भगवान को भी अपना कोई भवन बनाना हो, चाहे वो द्वारिकापुरी हो, चाहे वो भगवान शिव की लंका हो, तो उसे भी विश्वकर्मा भगवान वास्तु शास्त्र के मापदंडों के आधार पर ही निर्माण करते हैं। वास्तु शब्द का अर्थ क्या है? वास्तु शब्द वस धातु से बना। वस धातु का अर्थ यह होता है कि जहां पर मनुष्य निवास करते हैं उस स्थान को वास्तु कहा जाता है। जब भी मनुष्य कोई मकान बनाता है तो वो मनुष्य मकान बनाते समय इस बात का तो ध्यान रखता है कि वो मकान सुंदर कैसे दिखे, उस मकान का एलिवेशन कैसा हो, भीतरी उसकी साज सज्जा कैसी हो, कैसा उसका बेडरूम हो, कैसी उसकी रसोई हो, और अंदर आते ही मेहमानों को वो मकान अपनी ओर आकर्षित करे, इन सब बातों का तो वो ध्यान रखता है। लेकिन वास्तु शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके नियमों का पालन किए बगैर आप और हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हम सुख और चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि दसों दिशाओं के ऊपर प्रत्येक प्रत्येक देवता का अधिकार है और इसी मान्यता को मानते हुए प्रत्येक देवता का एक एक दिशा में और एक एक कोण पर अधिकार है। और अगर हम हमारे ग्रंथों में गहराई से जाकर के देखें तो वास्तु शास्त्र का बड़ा गहन विश्लेषण, बड़ा गहन शास्त्र हमें पढ़ने को और देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं आज बहुत ही कम समय में और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको बताऊंगा कि आप अपने भवन का वास्तु दोष कैसे दूर कर सकते हैं। पहले तो ये समझें कि वास्तु दोष होता क्या है। मित्रों, अगर आप कोई घर में रहते हैं और उस घर में, आपके घर में व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पति पत्नी में अनबन रहती है, सास और बहू में अगर मेल मिलाप नहीं है, पिता का पुत्र पर प्रेम नहीं है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके उस घर के निर्माण में वास्तु दोष अवश्य है। अब इसका पता कैसे लगे? तो इसका पता लगाने के लिए आप किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से संपर्क करें, उसे बुलवाकर अपने घर की पूरी वास्तु आप चेक करवाएं। इससे आपको पता लगेगा कि आपने भवन बनाते समय, या अगर आपने बना बनाया भवन खरीदा है, तो उस समय आपने वास्तु का ध्यान रखा या नहीं रखा। अब मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन, कोई निर्माण आपका गलत हो गया, तो ज्यादातर ये देखने में आता है कि वास्तु शास्त्री ये कहते हैं कि इस निर्माण को यहां से तोड़वा कर और यहां पर करवा दो। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वास्तु शास्त्र में ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता कि आप अपने भवन की तोड़फोड़ करवाएं। हाँ, कहीं कहीं कोई ऐसी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां हो जाती हैं कि कोई बहुत ही अति संवेदनशील अगर कोई कोण है और वहां पर अगर आपका निर्माण गलत है, मान लीजिए कि आपके घर का ईशान कोण है जो उत्तर पूर्व की दिशा कहलाती है, और वहां पर अगर आपने लेटरिन बना दिया, वहां पर अगर आपने शौचालय का निर्माण कर दिया, तो हाँ, निसंदेह उस जगह से आपको निर्माण कार्य तोड़वाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगर आपके भवन में वास्तु दोष हैं और उस वास्तु दोष को आप बगैर तोड़ फोड़ के दूर करना चाहते हैं,
तो उसे कैसे दूर करें। आज मैं ऐसे ही अद्भुत उपाय लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा में एक बहुत ही उच्च कोटि के महान संत हुए हैं, जिनका नाम है पूज्य राम सुखदास जी महाराज, जो हरिद्वार ऋषिकेश में रहते थे और गीता प्रेस गोरखपुर को जिन्होंने अपना अमूल्य अमूल्य ज्ञान जिन्होंने प्रदान किया। पूज्य राम सुखदास जी महाराज के द्वारा बताया गया ये उपाय आज मैं आप सबके बीच साझा कर रहा हूं। मित्रों, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है और अगर आप उस भवन का निर्माण या तोड़फोड़ नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप एक कार्य करें, आप अपने घर में किसी भी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाकर और अखंड रामचरित मानस, जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अखंड रामचरित मानस का एक बार अगर आप पाठ अपने घर में करवा लेते हैं, तो मेरा ये परम विश्वास है और राम सुखदास जी महाराज के कथन है कि आपके घर से वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो भी बुरी परिस्थितियां या जो भी बुरा वातावरण आपके घर में है, वो आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर होकर और भगवान राम की कृपा, भगवान हनुमान जी की कृपा, सीता मैया की कृपा आपके घर पर बरसने लगेगी। फिर कभी भी आपके उस भवन को वास्तु का दोष स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, पहला उपाय था रामचरित्र मानस के अखंड पाठ का। ये पाठ कैसे करें, किस विधि से करें, इसकी जानकारी आप अपने संपर्क में अगर कोई योग्य विद्वान ब्राह्मण हो तो उनसे जाकर के आप प्राप्त कर लें। दूसरा उपाय, अगर मान लीजिए कि आपकी रसोई का निर्माण, आपके बेडरूम का निर्माण, आपके ड्राइंग रूम का निर्माण या फिर अन्य अन्य कोई भी सीढ़ियां वगैरह कोई भी हो, अगर उनका निर्माण भी आपका गलत हो गया है, वास्तुशास्त्र का आपने उस समय ध्यान नहीं रखा जिस समय आप निर्माण करवा रहे थे, तो भी मित्रों, घबराने की, डरने की और भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं कि जिस उपाय के करने से आपका वो वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये उपाय भी शास्त्र सम्मत है और परीक्षित किया हुआ है। करना क्या है मित्रों, जहां पर भी आपको वास्तु शास्त्र के द्वारा अगर ये पता लग जाए कि आपकी रसोई गलत है, कमरा गलत है, बेडरूम गलत है, सीढ़ियां गलत है, तो उस स्थान पर आप कुछ भी नहीं करें। जो निर्माण आपका गलत हुआ है, उस निर्माण की दिशा वाली दीवार पर आप 9x9 अंगुल का, 9x9 अंगुल, जैसे ये हमारी चार अंगुल होती हैं, चार चार आठ और एक नौ अंगुल, 9 अंगुल का आप सिंदूर और शुद्ध गाय के देसी घी से एक स्वास्तिक उस जगह पर बना लें। एक बार फिर से सुने, 9 अंगुल का शुद्ध देसी घी और सिंदूर से आप एक स्वास्तिक वहां पर बनाएं। ये स्वास्तिक आपको कब बनाना है, ये स्वास्तिक आपको बनाना है पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र के दिन, जिस दिन भी पंचांग में पुष्य नक्षत्र पड़ता हो, उस दिन आप 9x9 अंगुल का शुद्ध गाय के देसी घी में सिंदूर मिलाकर अगर आप स्वास्तिक का निर्माण शुभ लाभ या अमृत के चौगड़ियों में कर देते हैं, तो ये मेरा परम विश्वास है कि आपके उस स्थान का वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मित्रों, बहुत छोटे छोटे उपाय, लेकिन बहुत ही अद्भुत ये उपाय हैं। अगर इन उपायों को आप करेंगे तो निसंदेह आपको किसी बड़े वास्तु शास्त्र के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको वास्तु के लिए बहुत बड़ी रकम फीस के रूप में उनको देनी है। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने हमें इतना ज्ञान दिया है, इतनी हमें जानकारी दी है कि अगर हम उनका अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि शास्त्रों में दबे हुए इन गहरे अनुभवों को कोई भी व्यक्ति बाहर निकालकर हमें बताता नहीं है, हमारा मार्गदर्शन नहीं करता है। लेकिन सद्गुरुदेव की कृपा से, मेरे आराध्य भगवान सिद्धि विनायक गणेश की कृपा से, मैंने मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का जो अनुभव प्राप्त किया है, उन अनुभवों को मैं आपके साथ में पूरा का पूरा 100% साझा करूंगा। मित्रों, अखंड रामायण का पाठ करवाएं, स्वास्तिक बनाएं, ये दो उपाय अभी मैंने आपको बताए। तीसरा उपाय आप नोट करें, तीसरा उपाय ये है कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलह रहता हो, अगर आपके घर के सदस्यों के विचार आपस में नहीं मिल रहे हों,
तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना मित्रों, केवल और केवल आप गंगा जल और गौमूत्र इन दोनों को एक एक कटोरी में लें और आप कोई भी पुष्प ले लें हाथ में, चाहे वो पीला हजारे का फूल हो, गेंदे का फूल हो, कोई भी फूल लें। मंगलवार और शनिवार के दिन आप गंगा जल और गौमूत्र को अपने पूरे घर के अंदर छिड़किए। गौमूत्र और गंगा जल का आपको अपने घर में छिड़काव करना है और उसके साथ साथ सुबह और शाम दोनों समय आपको अपने घर में गूगल का धूप करना है। ध्यान से सुनिए, गूगल का धूप। गूगल बाजार में आसानी से मिल जाता है, अगर आपको गूगल ना भी मिले तो गूगल से बनी हुई आजकल धूप बत्तियां भी बाजार में मिलती हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक सावधानी आपको जरूर रखनी है कि जब भी आप गूगल का धूप करेंगे तो आपके बाएं हाथ में घंटी होना अति आवश्यक है। जिस घंटी का वादन हम पूजा में करते हैं, आरती में करते हैं, एक हाथ में घंटी हो और एक हाथ में आपके धूप का पात्र हो और आप अपने घर में जितने भी आपके कमरे हैं, जो जो भी आपका मुख्य द्वार है, वहां पर आप कोई भी भगवान नाम उच्चारण करते हुए, चाहे श्री राम, जय जय राम हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, श्री कृष्ण शरणम हो, ओम नमो नारायणाय हो, जो मंत्र जो नाम आपको अच्छा लगे मित्रों, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उस गूगल के धूप से अपने पूरे घर में आप घंटा वादन करते हुए उस गूगल के धूप को आप घुमाएं। देखिए मित्रों, आने वाले 10 या 20 दिनों के अंदर ही आपको अपने घर का पूरा वातावरण बदला हुआ नजर आएगा। वो घर जिसमें आपका मन नहीं लगता था, वो घर जिसमें आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, वो घर जिसमें सदैव क्लेश और कलह रहता था, वही घर आपको भगवान के मंदिर जैसा लगने लगेगा। आपका उस घर में मन लगेगा, आपको बहुत गहरी नींद आएगी और आप उस घर में सुख से रहेंगे। मित्रों, एक और अद्भुत उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरा एक निवेदन रहेगा आपसे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं या जब भी कोई उपाय बताऊं तो आप पेन और डायरी अपने पास लेकर के बैठें, क्योंकि अगर आप इन उपायों को नोट करेंगे तो आपके तो काम आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ आप इन उपायों को अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को और पड़ोसियों को भी साझा कर सकते हैं। मित्रों, वास्तु दोष को दूर करने का एक और अद्भुत उपाय आप लोग नोट करें। जब भी घर की महिलाएं घर में पोछा लगाती हैं, रोजाना हर घर में पोछा लगता है, साफ सफाई होती है, जब भी घर की महिलाएं पोछा लगाएं तो उस पानी के अंदर, पोछे की बाल्टी के अंदर थोड़ा सा 5 या 7 चिपटी नमक लेकर के, 5 या 7 बार यूं हाथ से चिपटी भर के अगर आप नमक ले लेते हैं और उस नमक को उस पानी में मिलाकर, और अगर आप उस नमक का पोछा अपने घर में लगाते हैं तो उस घर में जितना भी वास्तु दोष है जो जमीन के भीतर है, वो पूरा का पूरा वो पानी सोख लेता है, वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है, नकारात्मक ऊर्जा को वो सोख कर और वो पानी उस जमीन को सकारात्मकता में बदल देता है। उस पर चलने वाले, उस जमीन पर चलने वाले, फिरने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबकी बुद्धि सकारात्मक हो जाती है। तो मित्रों, आज मैंने आपको 4 उपाय बताए, एक बार पुनः आपको दोहरा दूं। पहला उपाय, अखंड रामायण का पाठ अपने घर में करवाएं। दूसरा उपाय, शुद्ध गाय के देसी घी से सिंदूर मिलाकर और 9x9 अंगुल का आप स्वास्तिक बनाएं, वो भी पुष्य नक्षत्र के दिन। तीसरा उपाय, अपने घर में गंगा जल गौमूत्र का छिड़काव करें और गूगल का धूप करें। और चौथा उपाय, जब भी पोंछा लगाएं तब आप उस पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर और पोंछा लगाएं। फिर देखिए मित्रों, कैसे आपके घर में अद्भुत परिणाम आते हैं, आपको खुद को महसूस होगा, आप खुद इन सब सकारात्मक परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभूत करेंगे और आप खुद मुझे बताएंगे कि नहीं, जो मैंने उपाय बताए थे उन उपायों के करने से आपके जीवन में कितना बदलाव आया। मित्रों, ना तो आपको कोई बहुत बड़ा खर्च करना है, ना ही आपको कोई तोड़फोड़ करवानी है और ना ही आपको भयभीत होना है। हमारा शास्त्र कभी भी भयभीत होने की, कभी भी आशंकित होने की और कभी भी अंधविश्वास करने की सलाह नहीं देता। मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं गुरुदेव की कृपा से प्रयास करता रहूंगा कि जो जो जानकारियां मुझे गुरुदेव की कृपा से और भगवान सिद्धि विनायक की करुणा से मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुई हैं,
वो सब जानकारियां एक एक कर मैं आप सबके बीच लेकर के आता रहूं। आप सबका प्रेम इसी प्रकार मुझे मिलता रहे। आपका प्रेम, आपका स्नेह और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब मेरा वीडियो देखते हैं YouTube में, जब आप संबित कैलाश चंद्र जोशी टाइप करते हैं तो मेरा चैनल खुलता है और उसमें नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है। आप वहां पर बटन दबाएं, वो चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा। वो दबाते ही आपके सामने घंटी का निशान आएगा, आप उस घंटी के निशान को भी दबाएं। जब आप उस बेल आइकॉन को दबा देंगे तो मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वे स्वतः आपके मोबाइल में पहुंच जाएंगे। मित्रों, अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो, क्योंकि ये मेरे खुद के जीवन का अनुभूत किया हुआ उपाय है, तो आप इस उपाय को अपने सभी मित्रों को, रिश्तेदारों को और उन उन लोगों को आप साझा करें, उन्हें आप भेजें। मैं जो भी वीडियो आपको भेजता हूँ उन वीडियो को आप शेयर करिए, तो ये भी एक तरह से आपकी धर्म के प्रति दी गई एक शुभ भावना होगी। हम हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करें। आने वाले दिनों में ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी हुई और अन्य रोचक जानकारियां लेकर, अद्भुत उपाय लेकर, ऐसे उपाय जिनके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना है, जिनके लिए आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, ऐसे उपाय लेकर मैं आप सबके बीच उपस्थित रहूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबके प्यार को, आप सबके प्रेम को और आप सबके स्नेह को और आपके हृदय में विराजित परमपिता परमेश्वर की उस परम सत्ता को बारंबार प्रणाम, नमन, वंदन। जय शंकर, जय श्री गणेश।